हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए दोस्तों, आज मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ रोड पे, और जिस रोड पे चलूँगा उस रोड के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। रिंग रोड, बनारस का रिंग रोड जो कि नया नया बना है अभी, मैं उस रिंग रोड से चलूँगा। और उसी रिंग रोड से होते हुए जौनपुर का मेन हाईवे पकड़ के यानी बाबतपुर तक जाऊंगा। तो सो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। मैं आप लोगों को पूरे रोड जो यहाँ से वहाँ तक चलूँगा, पूरे रोड का सीन दिखाऊंगा। जहाँ जैसा लगेगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और सपोर्ट करिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है, सब लोगों का मकसद यही रहता है कि चैनल ग्रो करे और अच्छा खासा चले वीडियो। सब लोगों का यही उम्मीद रहता है, मेरा भी उम्मीद यही है दोस्तों कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और चलिए दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ। मैं उसी रोड पे इसमें चल रहा हूँ जो रिंग रोड नया नया बना है, उसी रोड पर हूँ। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा दे रहा हूँ ये रिंग रोड कैसा है, और जहाँ तक मैं चलूँगा वहाँ तक का सीन दिखाऊँगा आप लोगों को। और जैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए, यही रिंग रोड है जो कि बनारस में मोदी जी ने बनवाए हैं अभी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोगों के कैसा लग रहा है वीडियो। और जैसा भी होगा ज़रूर बताइएगा, आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है हमको। हाली मैं भी गाड़ियाँ चला रहा हूँ इस समय, और मैं सोचा इस रोड पर पहुँचाऊँ तो आप लोगों को ये वीडियो भी दिखा दूँ, रिंग रोड भी दिखा दूँ। ये अभी छोटा छोटा पौधा लगा है, लाइट वाइट का व्यवस्था सब हो गया है, और ज़्यादा कुछ नहीं। ज़रूर बताइएगा, मैं चलता हूँ आप लोगों को रिंग रोड से लेकर बाबतपुर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो मेन गेट है, बस यहीं तक का मेरा सफ़र था, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।